नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा तक में आप सभी का स्वागत है। जी हां, दिल्ली के अंदर इलेक्शन का टाइम नजदीक आ चुका है और त्रिनगर विधायक जितेंद्र सिंह तोमर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि जितेंद्र सिंह तोमर जो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और पहली बार चुनाव हारे भी थे और दूसरी बार 2015 के अंदर चुनाव जीते भी है और कैबिनेट मंत्री भी बने हैं, अब की बार उनका क्या हाल होने वाला है, कैबिनेट मंत्री के दावों पर जनता की क्या राय है। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस में रहे, 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन भाजपा के नंद किशोर गर्ग से हार गए, 2015 के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर से आपके उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और गर्ग को चुनौती दी। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और गृह कानून न्याय और पर्यटन कला और संस्कृति विभागों की जिम्मेदारी संभाली। इनकी जो है उपलब्धियां हैं आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि वार्ड 69, 69, 70, 71 में विधायक कोष से स्ट्रीट लाइटें लगवाई, पूरे क्षेत्र की 70% से ज्यादा मुख्य सड़कों का पुनर्निर्माण किया, 4 फुट और ब्रिज का निर्माण किया, 2 समुदाय भवन का निर्माण किया, 40 ओपन जिम का निर्माण किया, रामपुरा में रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण किया, शकुरपुर जे कॉलोनी के LED से लेंस 250 बिजली के पोल लगवाए, 9 मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया, क्षेत्र के बदहाल पड़े 15 पार्कों का सुंदरीकरण किया, 5 साल के कार्यकाल में रिकॉर्ड 554 विकास कार्य पूरे किए, 112 जगह पर करोड़ों की लागत से सीवर की लाइनें डालने का कार्य किया, 70 जगह पर पानी की लाइनें डालने का कार्य किया और उनका रिपोर्ट कार्ड पेश हो चुके हैं। उनकी उम्र 53 है, शिक्षा LLB की है, त्रिनगर से हैं। आपको बता दें कि उनके दावों का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। क्षेत्र के विपक्षी नेता मंजीत सिंह बेनीवाल, केशवपुरम जिला उपाध्यक्ष, इन दावों पर क्या कहते हैं। पिछले 5 साल में हुए कोई फुटपुर ब्रिज नहीं हुआ, इस वजह सड़कों पर ही हादसे होते रहते हैं, यदि फुट और ब्रिज कहीं बनता तो वह दिखाई देता। आज भी कई मोहल्ले में जहां पर वर्षों सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, यही कारण है कि लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। लिंक रोड की बात करें या फिर इंदिरा कॉलोनी, यहां पर बद से बेहतर हालत देखने को मिल जाएंगे। दर्दर सड़क के कारण लोग गिरते हैं और चोटिल हो जाते हैं। सड़क के बनने का दावा गलत है, यानी उनके दावों का जो गलत ठहराया गया। घरों में पानी का पीनी गंदा आता है ऐसा बताया गया। 5 सालों में यहाँ कोई भी नया स्कूल नहीं बना, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक कुछ दूरी ही पर ही बना दिया गया, जबकि एक ही क्षेत्र में 2 मोहल्ला क्लिनिक का आसपास होना सम से बाहर है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप जो है त्रिनगर निवासी है तो उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। पब्लिक टुडे न्यूज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।